आज का हमारा टॉपिक है बी सेल एक्टिवेशन बी सेल्स इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन चलिए देखते हैं क्या होता है फर्स्ट द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या होता है द प्रोड द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बाय ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड बी सेल एक्टिवेशन बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे बाय ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है तो हम इसे क्या बोलेंगे बी सेल एक्टिवेशन कहेंगे बी सेल आर बुरसल और बोन मैरो मैरोबड लिम्फोसैट बी सेल में जो बुरसल और बोन मैरो होते हैं वो डेराइव्ड होते हैं लिम्फोसाइट के द्वारा द अटैक द एंटीजन बैक्टीरिया वायरस बाय सिक्रेटिंग एंटीबॉडी सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज अटैक करते हैं एंटीजन के ऊपर तो एंटीजन लाइक like क्या होते हैं बैक्टीरिया और वायरस सो द ब्रिंग अबाउट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं अब बी सेल एक्टिवेशन पढ़ रहे हैं तो बी सेल एक्टिवेशन कैसे होगा जब इंटर करेगा बॉडी के अंदर क्या करेगा इंटर एंटीजन करेगा एंटीजन इंटर द बॉडी द एंटीजन एंटरिंग थ्रू द टिश्यू मतलब टिश्यू के थ्रू क्या करेगा एंटीजन इंटर करेगा बॉडी में कहाँ पहुँचेगा लिम्फ नोड ट्रिक रिच द लिम्फ नोड एंड दैट इंटर थ्रू द ब्लड रिच द स्प्लीन और उससे फिर वह ब्लड के थ्रू आपका स्प्लीन तक पहुँच जाएगा अब देखते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एंटीजेंस द थैमस इंडिपेंडेंट एंटीजेंस पोलिसक्राइडस और लिपोपोलिसक्राइडस कैन एक्टिवेट द बी सेल डायरेक्टली जो इंडिपेंडेंट एंटीजन होंगे क्या होंगे जैसे कि पॉलिसक्राइड और लिपोपोलिसक्राइड ये बी सेल को डायरेक्ट एक्टिवेट कर सकते हैं सम थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजेंस आर हैंडल्ड बाई द माइक्रोफेज विच प्रेजेंट द एंटीजन टू बी सेल और जो थाइमास इंडिपेंडेंट एंटीजन होंगे वे माइक्रोफेज के द्वारा हैंडल होंगे विच प्रेजेंट प्रेजेंट द एंटीजन टू बी सेल उसमें एंटीजन बी सेल प्रेजेंट होंगे द थाइमास डिपेंडेंट एंटीजन अगर जो थाइमास डिपेंडेंट एंटीजन क्या होंगे प्रोटीन होंगे ठीक है तो उसको को प्रोटीन और टी हेल्पर सेल की रिक्वायरमेंट होती है या जरूरत होती है द टी हेल्पर रिसीव द एंटीजन डायरेक्टली और थ्रू माइक्रोफेज टी हेल्पर सेल क्या होंगे नहीं सॉरी टी सेल्स रिसीव करेंगे एंटीजन को डायरेक्ट कर सकते हैं और थ्रू माइक्रोफेज के थ्रू भी कर सकते हैं देन द टी हेल्पर सेल देन टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट द बी सेल और टी हेल्पर सेल क्या कर सकते हैं बी सेल को एक्टिवेट करेंगे ठीक बी सेल्स ऑन सरफेस इट्स एंटीजन बाइंडिंग सेल जो सरफेस कंटेंस होंगे किसके बी सेल को एंटीजन बाइंडिंग साइड बोलेंगे तो उसको कॉल्ड रिसेप्टर भी कहते हैं सिमिलर द एंटीजन कंटेंस ऑन इट सरफेस एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स उसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं अब नाउ इसका एक्टिव स्टेप देखेंगे अब इसका स्टेप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेप्स में यह पूरा कंप्लीट होता है पहला होता है सिलेक्शन ऑफ बी सेल्स रिकोगनीसन ऑफ एंटीजन प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन बाई माइक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटेशन ट्रिगरिंग ऑफ द बी सेल्स क्लोनल प्रोलीफिलेशन प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल्स एंड लास्ट है आपका सिकरेसन ऑफ इम्यूनोग्लोब्लिन पहला देखेंगे आपका सिलेक्शन ऑफ बी सेल ठीक है बी सेल का सिलेक्शन होगा तभी तो बनेगा ना इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल बी सेल का यह क्या होता है फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें ये सलेक्शन ऑफ बी सेल का होगा द इम्यून सिस्टम कंटेंस द न्यूमरस बी सेल इस इम्यून सिस्टम में बी सेल्स जो है पाए जाते हैं द बी सेल कंटेंस ऑन सरफेस एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कार रिसेप्टर बी सेल क्या होता है एक सरफेस एंटीजन होता है जो बाइंडिंग साइट एंटीजन के बाइंडिंग साइट को बोलेंगे हम रिसेप्टर्स ठीक द रिसेप्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस इम्योगलोबिन उस रिसेप्टर की क्या होंगे उस रिसेप्टर्स में एक सरफेस इम्योग्लोबिन होगा ठीक है और सिमिलरली द एंटीजन कंटेंट ऑन सरफेस एंटीजनिक डिटर्मिनेंट उस सरफेस के क्या बोलेंगे एंटीजन डिटर्मिनेंट बोलेंगे और उस एंटीजेंट डिटर्मिनेंट को हम इपिटोप्स भी कहते हैं द बिल इम्फोसाइड रिकॉग्नाइज द एंटीजन विद द हेल्प ऑफ सरफेस रिसेप्टर ठीक है बी सेल क्या होगा आपका बी सेल क्या होगा बिल इम्फोसाइड रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को विद द हेल्प ऑफ सरफेस रिसेप्टर उस सरफेस रिसेप्टर के हेल्प के थ्रू यह रिकॉग्नाइज करेगा किसको एंटीजन को जब रिसेप्टर्स विद द मैच जब रिसेप्टर क्या होगा मैच होगा एंटीजन एक डिटर्मिनेंट के साथ तो क्या होगा बी सेल बॉन्ड्स विद द एंटीजन बी सेल बाइंड्स करेंगे किसके साथ एंटीजन के साथ नहीं या डी के थ्रू समझ सकते हैं ये जैसे कि एंटीजन दिखा रहा है ये एक एंटीजन है ठीक है ये इसके ईवीटोप है दो तीन चार चार दिख रहा है उसका एंटीजन मतलब ई बी टॉप है एंटीजनिक डिटर्मेंट है यहाँ हम बी सेल देख सकते हैं बी सॉरी बी सेल है बी सेल यहाँ से उस उससे एड करेगा ठीक है रिसेप्टर बी सेल में रिसेप्टर पाए जाएंगे रिसेप्टर है बाइंडिंग ऑफ बी सेल्स विद द एंटीजन ठीक है यहाँ बाइंड हो गया एंड सेकेंड है आपका रिकोगनीसन ऑफ एंटीजन ठीक वेन द एंटीजन इंटर द बॉडी इट इज़ रिकोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगनाइज बाई द बी सेल और माइक्रोफेज ठीक है जब एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर करता है ठीक है तो रिकोगनाइज बाय बी सेल तो उसे बी सेल और बी सेल या माइक्रोफेज की तरह रिकोगनाइज करेंगे पहचानेंगे उसको द बी सेल रिकोगनाइज द एंटीजन विद द हेल्प ऑफ सरफेस इम्योग्लोबिन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल ठीक है बी सेल रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को किसके शुरू करेगा द सरफेस इम्योनोग्लोबिन जिसमें प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ बी सेल बी सेल भी उसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है द बी सेल्स बाइंड एंटीजन विद द हेल्प ऑफ इट सरफेस इम्योनोग्लोबिन एंड इट्स बाइंडिंग एक्टिवेट द बी सेल बी सेल हम डायग्राम के थ्रू देखे थे बी सेल अब उससे बाइंड हो गया किसके साथ एंटीजन के साथ किस कहाँ पर हुआ सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन के उस सरफेस पे हुआ तो वहाँ बाइंडिंग होने के बाद क्या करेगा वो बी सेल को एक्टिवेट कर देगा वेन द माइक्रोफेज रिकोगनाइज द एंटीजन दे प्रोसेसिंग सॉरी दे प्रोसेसिंग द एंटीजन एंड द प्रेजेंट देम टू द बी सेल ठीक है जो माइक्रोफेज क्या बोलेगा फिर रिकॉग्नाइज करेगा किस उस एंटीजन को और उस एंटीजन की देम बी सेल एंटीजन को बी सेल में अंदर हो जाएगा ठीक है रिकॉग्नाइज अकर वेन द केमिकल कॉन्फिग्रेशन उसके बाद केमिकल कॉन्फिग्रेशन होगा एंटीजेनिक डिटेमेंट्स फिट द रिसेप्टर्स ऑन द बी सेल उसके बाद होगा प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजेंट्स बाई माइक्रोफेज ठीक है माइक्रोफेज के द्वारा आपका मतलब इसमें एंटीजन का प्रेजेंटेशन होगा कैसे होगा देखते हैं माइक्रोफेज से क्या होगा माइक्रोफेज से बी लिम्फोसाइड क्या होता है बाइंड होता है ठीक है और एंटीजन ट्रांसफर ऑफ एंटीजनिक प्रेजेंटेशन कहा जाता है तो सॉरी द माइक्रोफेज ऑन बाइंडिंग विद द एंटीजन प्रिपेयर टू द बिकम इम्यूनोजेनिक तो एंटीजन के साथ बाइंडिंग होता है कौन एंटीजन ठीक है एंटीजन के साथ बाइंडिंग पर जो माइक्रोफेज इसे इम्यनोग्लोबिन बनाने के लिए तैयार करते हैं इसे इम्यूनोजेनिक इम्योनोजेनिक बनाने के लिए क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं ठीक है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द एंटीजन इज आयदर की इट ऑन द सर्फेस ऑफ़ माइक्रोफेज और स्वेल्व बाई द माइक्रोफेज एंड इज टेकन इन टू द फैगोसोम ठीक है फिर क्या होगा जो एंटीजन क्या होगा मतलब जो एंटीजन है वो प्रोसेसिंग ठीक है एंटीजन के प्रोसेसिंग के दौरान उस एंटीजन प्रोसेसिंग के दौरान क्या होगा या तो वो माइक्रोफेज माइक्रोफेज के द्वारा माइक्रोफेज के सतह पर रह जाता है उस माइक्रोफेज के सतह पर रह जाएगा उस माइक्रोफेज के सतह पर रह जाता है या फिर उस माइक्रोफेज के द्वारा उसे या उस माइक्रोफेज के द्वारा उसे निगलने के लिए करेंगे या फेक्रोसेम हो जाएगा उसे निगल लेंगे ले ठीक है निगल लिया जाता है फिर इन साइड द माइक्रोफेज द एंटीजन इज डिग्रेडेड विद द इमिलेशन इलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी प्रोटीन्स ऑफ द एंटीजन फिर माइक्रोफेज के अंदर एंटीजन का जो अनावश्यक भाग होता है ठीक है अनावश्यक भाग का क्या होगा उन्मूलन हो जाएगा मतलब वो उन्मूलन मतलब हम होगा किसका मतलब उन्मूलन के साथ एंटीजन का आ, क्या होगा उसका डिग्रेड होंगे अंदर में जाकर वो डिग्रेड हो जाएंगे ठीक है द प्रोसेसिंग एंटीजन इज द ब्रोट आउट द रिटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ द माइक्रोफेज फिर जो आ, क्या होगा प्रोसेस्ड एंटीजन है ठीक है जो प्रोसेस्ड एंटीजन है उसके द्वारा उस प्रोसेस एंडिजन को माइक्रोफेज की सतह पर ठीक है उस प्रोसेस द्वारा माइक्रोफेज की सतह पर उस माइक्रोफेज की सतह पर क्या होगा उस माइक्रोफेज की सतह पर बाहर लाया जाता है उसके बाहर लाया जाता है और बाहर में लाकर उसको हमें वैसे बाहर में उसको छोड़ दिया जाता है ठीक है बाहर में छोड़ दिया देता है तो बाहर में रखा जाता है तो इस प्रोसेसिंग के दौरान नाइन्टी जो फॉरिजन सबिस्टेंस हैं ओ, हटा देते हैं नाइन्टी परसेंट और रिमूव हो जाते हैं यह प्रतिजन या इस एंटीजेनिक इसे क्या बोलेंगे एंटीजेनिक एंटीजेन को एंटीजेनिक फिर एंटीजन से एंटीजेनिक बनेगा ठीक है फिर द प्रोसेस एंटीजेंस एंड एज डिपोजिट ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल्स कहते हैं तो यह एन का एंटीजेनिक डिटर्मिन एंटीजेनिक बनाता है और सेल की सतह पर संशोधित एंटीजेन्स है ना डिपोजिट होते हैं ठीक है और डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं यहाँ एंटीजन दिया है ठीक एंटीजन है एंटीजन क्या होगा इस माइक्रोफेज से ऐड होगा इस माइक्रोफेज से आया फिर माइक्रोफेज स्वेल द एंटीजन इस एंटीजन माइक्रोफेज के अंदर चला जाएगा अंदर घुस जाएगा एंटीजन इज इस टेकन इन इसके अंदर घुस गए यहाँ इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं ठीक है अब उसके बाद ये क्या होगा अंदर में डिग्रेड होंगे एंटीजन इज अ डिग्रेडेड लिखा एंटीजन क्या होगा टुकड़े टुकड़े भाग में टूट जाएंगे और फिर इसके सरफेस पर ठीक एंटीजन अपेयर ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोफेज उस सरफेस को माइक्रोफेज के थ्रू यहाँ पे उसके सरफेस पर छोड़ दिया जाता है ठीक नेक्स्ट आता है एंटीजन प्रेजेंटेशन ठीक है एंटीजन क्या होगा एंटीजन प्रेजेंट होगा कैसे प्रेजेंटेशन देंगे देखते हैं तो द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस्ड एंटीजन फ्रॉम द माइक्रोफेज टू बी लिम्फोसाइड इज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटेशन ठीक है माइक्रोफेज में बी लिफोसाइड से जो एंटीजन होते हैं एंटीजन के ट्रांसफर ट्रांसफ़र को हम एंटीजन प्रेजेंटेशन कहा जाता है ठीक उसके बाद क्या होता है द थमस इंडिपेंडेंट एंटीजन सीधे बी सेल को क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट करते हैं बी सेल को सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं आपका प्रेजेंट कर सकते हैं थाइमस जो होता है इंडिपेंडेंट एंटीजन डायरेक्ट बी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका बी सेल एंड द एंटीजन प्रजेंटेशन ऑन सर्फेस ऑफ माइक्रोफेज बाइंड विद द इमिनोग्लोबिन्स ऑफ बी सेल्स नाव द बी सेल एक्टिवेटेड अब माइक्रोफेज की सतह पर मौजूद एंटीजन उस माइक्रोफेज की सतह पर हम नेक्स्ट जो डाइग्राम में अभी जो पिछले वाला डायग्राम में देखें हम इस सरफेस पर आ जाते हैं ठीक है सरफेस पर आ जाता है उसके क्या बोलते हैं सर्फेस पर क्या आ जाता है सर्फेस पर आ जाता है ना उसका एंटीजन तो फिर माइक्रोफेज़ की सतह पर जो मौजूद एंटीजन होगा वो बी सेल के इम्यूनोग्लोबिन से बांधता है बी सेल के बी सेल के इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन पर उसको क्या बोलता है बाइंड करता है बांध देता है उसको ठीक है उसको बांध के रखता है अब उसके बाद क्या होता है नाउ द बी सेल इज एक्टिवेट अब वहाँ पर आया तो बी सेल क्या हो गया एक्टिवेट हो गया ठीक है द थाइमस डिपेंडेट एंटीजन कैन नॉट एक्टिवेट द बी सेल आर सच दे रिक्वायर द को प्रोटीन और टी हेल्पर सेल्स थाइमस क्या हो गए डिपेंडेंट एंटीजन होते हैं जिसको बी सेल्स को इस सतह को क्या कर देता है और सक्रिय कर देता है ठीक है अब बी सेल डिपेंडेंट एंटीजन है तो उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी को और टी हेल्पर सेल की होगी ठीक है द टी हेल्पर सेल द टी हेल्पर सेल अटैच इट सेल्फ टू प्रोसेस्ड एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ माइक्रोफेज ठीक है अब टी हेल्पर सेल खुद को माइक्रोफेज की सतह पर जो रखता है ठीक खुद को माइक्रोफेज की सतह पर रखता है ठीक है खुद को माइक्रोफेज की सतह पर कैसे रखेगा मौजूद है, कौन सा रहेगा आपका प्रोसेसिंग एंटीजन से जुड़ता है उस प्रोसेसिंग एंटीजन से खुद को माइक्रोफेज सतह पर रखता है ठीक है अब आते हैं इन एडिशन इज माइक्रोफेज सिक्रेटेड असोल्यूबल फैक्टर्स मोनोकैंस कार्ला लिक्विन आई एल वन ठीक है अब माइक्रोफेज के अलावा एक इंटरलिक्विन पा जाता है जो क्या होता है घुलनशील होता है सोल्यूबल फैक्टर होता है जिसे हम मोनोकाइन का वहाँ पर क्या होता है सिक्रेशन होगा मोनोकाइन सिक्रेशन होगा कैसे होगा मतलब सिक्रेट होंगे वहाँ पर इसराव होंगे ठीक है आई एल मतलब इंटरलिक्विन वन क्या आल्सो एक्टिवेट द टी हेल्पर सेल ठीक है टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करते हैं द एक्टिवेट एक्टिव टी एच सेल मतलब हेल्पर हेल्पर टी टी सेल्स सिकरेटेड और लिम्फू कॉन्स कार्ड बी सेल स्टिमुलेटरी फैक्टर टी सेल टी सेल क्या अगर सिक्रेट करेंगे लिम्फू कॉइंस को तो क्या बोलेगा बी एस एफ मतलब बी सेल एक सिमिलरली स्टमुलेटरी फैक्टर है बी सेल मतलब बी सेल स्टिमुलेट्री फैक्टर क्या करेगा बी सेल को एक्टिवेट कर देगा यहाँ डाइग्राम को शुरू समझ सकते हैं ये एक माइक्रोफेज है ठीक है माइक्रोफेज है माइक्रोफेज से कौन जुड़ा हुआ है बी सेल जुड़ा हुआ है यहाँ ठीक है तो इस माइक्रोफेज में हम देख सकते हैं एक इंटरलिकिन वन है ठीक है इंटरलिकिन वन क्या हो टीएस सेल के साथ बाइंड हुआ ठीक है टी एस हेल्पर सेल है टी हेल्पर सेल से हम बोले थे बी एस ए मतलब बी सेल स्टिमुलेटरी फैक्टर एट हुआ और बी सेल यहाँ पर क्या हो गया एक्टिवेट हो गया इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं बी सेल यहाँ पर आके एक्टिवेट हो गया पाँचवा है आपका ट्रिगरिंग ऑफ द बी सेल ठीक है ट्रिगरिंग ऑफ द बी सेल द बी सेल ट्रिगर्ड बाय द बाउंड एंटीजेंस और द लिम्फोकाइन सिक्रेटेड लिम्फोकाइन सिक्रेटेड बाय द बी सेल बी सेल ट्रिगर हो जाएंगे किसके द्वारा हो जाएंगे बाउंड एंटीजेंस और लिम्फोकाइन लिम्फोकाइन सिक्रेट होगा किसके किसके द्वारा टी एच सेल के द्वारा इन द बी सेल मेटाबोलिक रेट इंक्रीज द आर एन एंड प्रोटीन सेंथिस गो ऑन बी सेल में मेटाबोलिक रेट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और आर और प्रोटीन क्या होगा सेंथिसाइजस्ट हो जाएंगे द डी एन टू डुप्लीकेट फिर क्या हो जाएगा डी एन ए डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद छठवा स्टेप होता है प्रो क्रोनल प्रोलीफिलेशन ठीक है फोन में क्या होगा द बी सेल ट्रिगर्ड बाय द एंटीजन अंडर गो अ सीरीज ऑफ डिवीज़न होगा ठीक है डिवीजन बी सेल अंदर होंगे और फिर उसमें क्या होगा बी सेल जो एंटीजन द्वारा ट्रिगर होता है बी सेल हम जानते हैं एंटीजन के द्वारा ट्रिगर होता है और विभाजन करके एक सीरीज से मतलब एक सीरीज में वो गुजरेगा उस सीरीज में पास होगा वो द ऑकर इन फाइव डेज विद इन एट जनरेशन सेल डिविज़न ठीक है यह आठ जनरेशन सेल डिवीजन के साथ पाँच दिन में होता है ठीक है पाँच दिन में हो जाएगा द प्रोलीफ्रेशन इज स्टमुलेटेड बाय द बी एस एफ बी सेल स्टमसन फैक्टर और बी सी जी एफ मतलब बी सेल ग्रोथ फैक्टर सिक्रेटेड बाय टी एस सेल टी हेल्पर सेल द्वारा बी एस एफ मतलब बी सेल स्टिमुलेशन फैक्टर और बी सी जी एफ मतलब बी सेल ग्रोथ फैक्टर द्वारा क्या होगा ये प्रसार को प्रेरित करता है उसकी सेक्रेटरी को क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा स्टिमुलेट करेगा मतलब उसको प्रेरित करेगा ठीक है एंड अस रिजल्ट क्लोन द आइडेंटिकल सेल इज formed और उस आइडेंटिकल मतलब परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा इसका आइडेंटिकल कोशिकाओं का एक क्लोन बन जाएगा उस आइडेंटिकल कोशिकाओं का एक क्लोन बन जाएगा ठीक है यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि ये एंटीजन है एंटीजन में बी सेल आया बी सेल क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफ्रेंसिएसन होगा डिफ्रेंसिएशन से एक प्लाज्मा सेल बनेगा एक मेमोरी सेल बनेगी यहाँ पर बहुत सारे प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बने ठीक है बहुत सारे बन गए फिर आता है आपका सातवा स्टेप क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल अभी तो पिछले वाले डायग्राम में लास्ट टाइम बनाना प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल तो देखेंगे कैसे बनते हैं द प्रोलीफेसन सेल्स फाइनली प्रोपो प्रोपोज टू टाइप ऑफ सेल्स जनरली प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल टू टाइप के सेल बनेंगे ठीक है पुरोली फ्रेश होंगे गे? तो एक प्लाज्मा सेल रहेगा और एक मेमोरी सेल रहेगा आठवा स्टेप देख रहे हैं सेक्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ठीक है प्लाज्मा सेल्स आर द इम्योगलोबिन प्रोड्यूसिंग सेल प्लाज्मा सेल्स में इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस हो गया इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होंगे एंड द एक्टिवेटली एक्टिवलीम्यनोगलोबिन देम इंटू द सीरम फिर क्या होगा जो सेंथिसाइज हो जाएंगे इम्योनोग्लोबिन ठीक है इमिनोग्लोबिन होंगे जो किसके रिलेटेड इंटू दीरम में सीरम में होंगे सीरम के अंदर जाएंगे द मेमोरी सेल्स हैव अ मोर सरफेस इम्योगलोबिन मेमोरी सेल क्या होंगे मोर मतलब मेमोरी सेल्स में सरफेस इम्यनोग्लोबिन होंगे ठीक है उसके बाद द आर मोर लाइकली टू सर्कुलेट इन द ब्लड फिर वो ब्लड में सर्कुलेट हो जाएंगे ठीक है ये ब्लड में सर्कुलेट होंगे फिर देन द रिटर्न द स्पेसिफिसिटी ऑफ स्पेसिफिटी टू द एंटीजन विच हैज़ रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ देम मेमोरी सेल फिर लास्ट टाइम आपका मेमोरी सेल का प्रोडक्शन हो जाएगा जो एक स्पेसिफिक एंटीजन के थ्रू उसका रिजल्ट में हमको मिलेगा अज द एंटीबॉडी अज द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू स्पेसिफिक टू द एंटीजेंस इट बाइंड विद द एंटीजेंस इज नेचुर और डिस्ट्रॉय बाद में वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक एंटीजन का न्यूट्रलाइज हो जाएगा Thanks for watching. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you so much.